स्कूल लेक्चरर एग्जाम सेकंड पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पैडागोगी के भाग दस्तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। ध्यान रहे, एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुल 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट का अर्थ है 6 इकाइयों में यह पूरा पाठ्यक्रम विभाजित है। इसके 3 इकाई तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। चौथी इकाई शिक्षण अधिगम, ये तीसरी इकाई थी, जबकि चौथी इकाई है किशोर अधिगमकर्ता का प्रबंधन, जिसका अध्ययन हम अब कर रहे हैं। ध्यान रहे, किशोर अधिगमकर्ता का प्रबंधन ये इकाई 4 हमने प्रारंभ की थी भाग 8 से। भाग 8 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था किशोर अधिगमकर्ता के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के विषय में। भाग 9 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कुसमायोजन, शिक्षक और बालक के स्वास्थ्य को उन्नति करने वाले कारकों के विषय में। इसी के साथ भाग 10 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था तनाव, संघर्ष, भग्नाशा, समायोजन इत्यादि महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स के विषय में। यदि आपने इन भागों को नहीं देखा है तो इनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर के आप इन भागों को देख सकते हैं। इसी के साथ यदि आप इनकी PDF नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसी के साथ में आप करंट अफेयर से संबंधित डेली क्विज हल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल पर प्रतिदिन अपडेट की हुई करंट अफेयर्स डाली जाती है, जो कि परीक्षा दृष्टया काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उनमें संकलन किया गया है, उनको भी आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं हम आज का भाग। आज भाग 11 के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं बुद्धि के विषय में। ध्यान रहे, इस इकाई 4 किशोर अधिगमकर्ता का प्रबंधन के अंतर्गत ये जो 11वां भाग है, इसके अंतर्गत बुद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लगा हुआ है। बुद्धि के अंतर्गत अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी बुद्धि से संबंधित परीक्षा जो परिभाषाएं हैं उनको आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें वुडवर्थ की परिभाषा को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं, बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये कहा है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ की ये ध्यान देना, बुद्धि से संबंधित जो ये परिभाषाएँ हैं परीक्षा दृष्टया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे एक प्रश्न काफ़ी पूछा जाता भी रहा है परीक्षाओं में। तो बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह परिभाषा दी वुडवर्थ। अब हम देख लेते हैं दूसरी परिभाषा, ये टर्मन की है। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। टर्मन की यदि हम परिभाषा देखें तो टर्मन का मानना है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये मानना है टर्मन का। वुड्रा जो मनोवैज्ञानिक है, वुड्रा ने माना है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, ये मानना है वुड्रा का। इसी के साथ मनोवैज्ञानिक है रायबरन का मानना है कि बुद्धि वह शक्ति है जो समस्या का समाधान करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ध्यान रहे, रायबरन का मानना है कि बुद्धि एक समस्या समाधान और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता एबिलिटी प्रदान करती है। थोरनडाइक का मानना है कि सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ध्यान रहे, थोरनडाइक का मानना है कि सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से जो बेस्ट है वही बेस्ट जो शक्ति है वही बुद्धि है। अब इन परिभाषाओं का कुछ हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, इनका निचोड़ या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इन परिभाषाओं का निष्कर्ष निकालने पर यह सिद्ध होता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता है और समस्या समाधान की योग्यता है। ये निष्कर्ष निकलता है बुद्धि का इन परिभाषाओं से कि बुद्धि ये एबिलिटी हमें प्रदान करती है। अब हम बुद्धि की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। बुद्धि की यदि हम विशेषताओं की तरफ जाएं तो व्यक्ति की जो जन्मजात शक्ति है, ध्यान देना, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता भी हमें बुद्धि प्रदान करती है, यह भी बुद्धि की एक विशेषता है। भले बुरे सत्य असत्य का ज्ञान भी हमें बुद्धि के द्वारा ही होता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, ये बुद्धि की अगली विशेषता है।
बुद्धि की परिभाषा, विशेषता आदि के बाद अब हम चलते हैं बुद्धि के प्रकारों की तरफ। परीक्षा में बुद्धि के प्रकारों से भी काफी प्रश्न पूछा जाता रहा है। बुद्धि के प्रकारों की बात करें तो गैरट जो मनोवैज्ञानी है उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। गैरट से गैरट के विभाजन को भी परीक्षा में काफी पूछा जाता रहा है। गैरट ने बुद्धि के 3 भेद किए जिनमें मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये मानना है गैरट महोदय का। थोर्नडाइक ने भी बुद्धि के 3 भेद किए हैं, उनमें से अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक, ये थोर्नडाइक के बुद्धि के भेद हैं। इनमें से यदि गामक या यांत्रिक बुद्धि को देखें तो ये एक प्रकार की मूर्त बुद्धि है। ध्यान देना, थोर्नडाइक की जो यांत्रिक बुद्धि है वो गैरट की मूर्त बुद्धि के बराबर है। कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, ये सभी यांत्रिक या मूर्त बुद्धि के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ज्ञान अर्जन में विशेष रुचि लेने वाले जैसे वकील है, डॉक्टर है, साहित्यकार, चित्रकार, ये सभी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनका हम काउंटिंग करेंगे अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। सामाजिक बुद्धि को देखें तो मिलनसार व मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे मंत्री लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, सामाजिक जितने भी कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर, ये सभी अमूर्त बुद्धि या सॉरी सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब हम चलते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की ओर। बुद्धि के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टिया। एक खंड का सिद्धांत, बुद्धि का जो एक खंड का सिद्धांत है ये प्रदान किया बिने टर्मन और स्टर्न ने। बिने टर्मन स्टर्न बुद्धि के एक खंड के सिद्धांत को प्रतिपादक करने वाले हैं। इनके अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं, एक खंड के रूप में कार्य करती हैं, यह मानना है बिने टर्मन और स्टर्न का। स्पीयरमैन ने इससे आगे चल करके बुद्धि के 2 खंड बताए और उन्होंने 2 खंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्पीयरमैन ने बुद्धि के जो 2 खंड माने उनमें एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट खंड था। सामान्य खंड की बात करें तो सामान्य खंड के अंतर्गत सामान्य योग्यताएं गिनी जाती है और वो सामान्य योग्यताएं हैं विशिष्ट योग्यता से महत्वपूर्ण माना है। ध्यान देना, स्पीयरमैन ने इस सामान्य जो योग्यता है इसको विशिष्ट योग्यता से महत्वपूर्ण माना है। स्पीयरमैन के अनुसार ये सामान्य योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात होती है। प्रत्येक व्यक्ति में ये सामान्य योग्यताएं भिन्न भिन्न भी होती हैं। जिस व्यक्ति में ये सामान्य योग्यताएं जितनी अधिक होती हैं वह व्यक्ति उतना अधिक ही सफल भी होता है। सभी मानसिक कार्यों में यह सामान्य योग्यता ही प्रयुक्त होती है, ऐसा स्पीयरमैन का मानना है। विशिष्ट योग्यताएं, विशिष्ट योग्यताएं वे योग्यताएं हैं जो अर्जित की जाती हैं। ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न ही होती हैं। जिस व्यक्ति में ये विशिष्ट योग्यताएं जितनी अधिक होती हैं उसी से संबंधित कुशलता उस व्यक्ति में अधिक पाई जाती है। ध्यान देना, यदि किसी व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता जिस विषय से संबंधित ज्यादा है तो वो उस विषय में अपने आप में एक कुशल व्यक्ति पाया जाता है। विभिन्न योग्यताओं का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से हो सकता है, ये विशिष्ट योग्यताओं के अंतर्गत माना स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने फिर आगे चल करके अपने इसी सिद्धांत का खंडन करते हुए एक 3 खंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये 3 खंड का सिद्धांत भी काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते रहे। स्पीयरमैन का 3 खंड का सिद्धांत प्रदान करने वाले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन। इससे आगे बढ़कर के कैली और थर्स्टन ने प्रतिपादित किया बहुखंड का सिद्धांत। कैली के अनुसार बुद्धि के 9 खंड हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन के अंतर्गत इन बुद्धि के 9 खंडों का प्रतिपादन किया। इन्हीं के सहपाठी जो मनोवैज्ञानिक थे थर्स्टन, उन्होंने बुद्धि के कुल 13 खंड बताए और उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक अपनी पुस्तक में इन 13 खंडों को अच्छी भली भांति समझाया भी है। इस प्रकार से बुद्धि के जो बहुखंड का सिद्धांत ये कैली और थर्स्टन के द्वारा दिया गया। ध्यान देना, बहुखंड का सिद्धांत और त्रिखंड का सिद्धांत दोनों अलग अलग हैं, इनमें परीक्षा दृष्टि कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थोर्नडाइक ने इससे आगे चल के बुद्धि के मात्रा का सिद्धांत दिया। थोर्नडाइक के अनुसार मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है, ये मानना है मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइक का।
थोरनडाइक का मानना है कि बुद्धि उतनी अच्छी होती है जितना अधिक संबंध मस्तिष्क और स्नायुमंडल का होता है। थोरनडाइक के अनुसार मस्तिष्क और स्नायुमंडल में जितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा बुद्धि उतनी अच्छी होगी। अब हम चलते हैं इससे आगे संवेगात्मक बुद्धि की तरफ। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? छात्रों के संवेगात्मक बुद्धि स्तर में विभिन्नताओं के कारण विच्छेदकारी व्यवहार में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये संवेगात्मक बुद्धि का गुण है। विच्छेदकारी व्यवहार में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है इसको हम देख लेते हैं। तो विच्छेदकारी व्यवहार में जो शामिल गतिविधियां हैं जो अधिगम प्रक्रिया को बाधित करें और शिक्षक के लिए दबाव उत्पन्न करें वे सभी विच्छेदकारी व्यवहार में शामिल गतिविधियां हैं। कुछ अध्ययनों में यह ज्ञात हुआ है कि संवेगात्मक बुद्धि और कक्षागत व्यवहार ये दोनों आपस में काफी संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। विच्छेदकारी व्यवहार में किनकी भूमिका होती है इनको यदि हम देखें तो विच्छेदकारी जो व्यवहार होता है इसमें भावात्मक बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि इन दोनों की भूमिका होती है। भावात्मक बुद्धि क्या है एक बार इसको भी देख लेते हैं। भावात्मक बुद्धि के अंतर्गत स्वयं की भावना व संवेगों को पहचानना, समझना, अन्य के भावों को पढ़ना और प्रभावी व्यवहार करना ये सभी भावात्मक बुद्धि में शामिल होते हैं, या यूं कहें कि ये सभी भावात्मक बुद्धि की विशेषताएं हैं। कक्षागत विच्छेदनों में कमी के लाभ यह है, ध्यान देना, कक्षागत जो विच्छेदन है इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि कक्षागत विच्छेदन को कम कर देते हैं तो इससे शिक्षक के दबाव में कमी आ जाती है और कक्षा के प्रबंधन में शिक्षक को समय भी कम लगता, अर्थात पढ़ाई में ज़्यादा समय मिल पाएगा जबकि कक्षा का प्रबंधन करने में उसको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा यदि कक्षागत विच्छेदनों में कमी कर ली जाती है। संवेगात्मक बुद्धि की अब हम लाभ की तरफ चलते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि के लाभ क्या है। उच्च स्तर पर देखें तो बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और बेहतर सामाजिक समर्थन इस संवेगात्मक बुद्धि से प्राप्त होता है। निम्न स्तर पर देखें तो विद्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थिति भी में कमी आ जाती है, अर्थात बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाती है। निम्न स्तर पर संवेगात्मक बुद्धि के लाभ हैं। संवेगात्मक बुद्धि का विकास किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, इसके लिए कोई समय या टाइम बाउंडेशन नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए सबसे जटिल काल किशोर अवस्था है, ध्यान देना। संवेगात्मक बुद्धि का विकास किसी भी आयु के स्तर पर किया जा सकता है लेकिन किशोर अवस्था में इसका विकास बहुत ही जटिल है। किशोरों की संवेगात्मक क्षमताओं में वृद्धि के लाभ हैं। यदि किशोरों में संवेगात्मक बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि का विकास कर दिया जाता है तो इससे क्या लाभ होंगे उसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। इससे छात्र और शिक्षक और परिवार इनका संबंध बनेगा, विद्यालय में भागीदारी बढ़ेगी, किशोर का सामाजिक व्यवहार सुधरेगा, किशोर का मनोशारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा, किशोर की शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि होगी, वर्तमान जीवन में संतुष्टि प्राप्त होगी, समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास होगा, आत्महत्या प्रकरणों में कमी होगी और संबंध तथा लैंगिकता संबंधी गुण भी पाए जाएंगे। ये किशोरों में संवेगात्मक क्षमताओं की वृद्धि के लाभ हैं। संवेगात्मक बुद्धि की यदि विकास किया जाता तो शिक्षक में इसका क्या प्रभाव आएगा उसको भी देख लेते हैं। शिक्षकों के व्यवसाय संबंधी जो गुण है, व्यावसायिकता है, उसके दबाव में कमी आएगी, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ज्ञान बढ़ेगा, ये लाभ होंगे शिक्षक में संवेगात्मक बुद्धि के विकास के। ध्यान रहे संवेगात्मक बुद्धि सीखी व विकसित की जा सकती है, अर्थात इसको सीखा भी जा सकता है और विकसित भी किया जा सकता है। इस प्रकार भाग 11 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया किशोरों की बुद्धि के संबंध में। भाग 12 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनके अंतर्गत निर्देशन, निर्देशन की विधियाँ, निर्देशन के प्रकार, निर्देशन की आवश्यकता, औपचारिक सलाह, सलाह प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत, सलाह के प्रकार और सलाह की विशेषताएं आदि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे भाग 12 के अंतर्गत। इसलिए नियमित तैयारी हेतु जुड़े रहिए हमारे ज्ञान दरार सुली चैनल के साथ।